अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बनाने वाली हूँ स्वीट स्मॉल पूरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स हम नोट डाउन कर लेंगे। 1.5 कप मैदा, 1/2 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने, 1 कसा हुआ नारियल, 2 टेबलस्पून घी, 250 ग्राम गुड़, 1 टीस्पून नमक, 2 कुटी हुई इलायची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बड़े बोल में सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, मैदा, गेहूं का आटा और नमक। गेहूं का आटा हम इसमें इसलिए डालते ताकि जो हमारी पूरी है वो ज्यादा कड़क ना बने। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। मेरा पूरी का जो डो है वो तैयार है। मैं इसमें भी हल्का सा ऑयल लगा के इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी 10 मिनट तक। जब तक मेरा आटा रेस्ट हो रहा है तो मैं पूरी की जो स्टफिंग है वो तैयार कर देती हूँ। एक पैन में घी गरम कर लेते हैं। जैसे ही घी गरम हो जाए तो मैं इसमें ऐड करूंगी गुड़। इसे अच्छे से हिलाते हैं। हमें गुड़ को मेल्ट करना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो मैंने क्रश्ड करके इलायची रखी थी वो, जिसे मिक्स कर देती हूँ। तो जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूंगी जो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट रखा था। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं एटलीस्ट 4 से 5 मिनट तक कोकोनट को पकाऊंगी। तो मेरा कोकोनट रेडी हो चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हमारी जो पूरिया है वो बेल लेंगे। एक बॉल के साइज का मैंने आटा लिया है। हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करके हम इसे रोल कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हो चुका है। अब कुकी कटर की हेल्प से मैं इसके शेप्स कट करूंगी। आपके पास अगर कुकी कटर नहीं है तो आप एक ग्लास का यूज भी कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल दूंगी। तो ये शेप तो रेडी है। अब एक पूरी लेकर मैं उसमें जो हमारा कोकोनट का मिक्सचर है वो 1 टेबलस्पून आ डालूंगी और इसे हाफ मून के शेप में फोल्ड कर दूंगी और एक फोक की हेल्प से सील कर दूंगी। मैंने तेल को गरम करने के लिए रखा था। मेरा तेल अभी गरम हो चुका है। अब मैं इसमें पूरी डालूंगी और पूरी को फ्राई करूंगी।
जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुके, तो मैं इसे ऑयल से निकाल के एक टिश्यू पेपर पे रख दूंगी। अब आइसिंग शुगर से मैं इस पे स्प्रिंकल कर दूंगी। तो मेरा स्वीट स्मॉल कुकीज तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।